बैटरी वगैरह नहीं लगी हुई होती, बैटरी तो अंदर लगी हुई होती है यहाँ पर। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चौधरी बैटरी इलेक्ट्रिकल्स में। तो दोस्तों आज मैं पेटीएम बॉक्स के बारे में बताऊँगा, इसी का क्या बेनिफिट है, क्या फ़ायदा है इसी का, और कैसे इसको यूज में लेते हैं, और इसकी जानकारी सारी डिटेल्स हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। चैनल पर हमारे नए आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी जानकारी मिलती रहेगी मेरी वीडियो पर। तो दोस्तों ये वाली जो पेटीएम मशीन है, ये साउंड बॉक्स बोलते हैं इसी को, पेटीएम साउंड। तो हम दुकान, हमारा जो कोई बिजनेस है उसके लिए स्कैनर कोड हम लगाते हैं, ये वाला स्कैन। तो इसकी वजह से हम जो पेमेंट हमारा जो रिसीव होता है, कोई भी पेमेंट करते हैं तो ये आवाज़ करके हमें आवाज़ से पता लग जाता है कि ये आवाज़ कर देता है, इसके अंदर आपके अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफ़र किए। तो दोस्तों इसी के बारे में क्या क्या है, कैसे लगाते हैं इसी को, इसी के बारे में हम बताएंगे, और बने रहिए वीडियो पर। वीडियो को लास्ट तक देखें, आगे ना निकले। जब भी पेटीएम से कोई इसका सेल्समैन आएगा, कोई आदमी आएगा पेटीएम कम यहाँ से, तो वो बोलेगा कि ये आपके साउंड बॉक्स बिजनेस साउंड बॉक्स लगवाना है तो लगवा लीजिए। तो ये वाले जो वो कहते हैं, इसका जो प्राइस लेता है गाइस, जो हमसे जो प्राइस लिए हैं, तो उस बारे के मैं सारी डिटेल्स उसको अच्छे से पूछे, क्या क्या जानकारी है सभी जानकारी के बारे में पूछे। हालांकि वैसे तो अपने लिए सही है, क्योंकि सुविधा अच्छी है, क्योंकि हमें टाइम नहीं होता है तो पेमेंट बार बार देखने का मोबाइल से, तो ये वाली इसके साउंड से पता लग जाता है कि आपके अकाउंट में रिसीव हो चुके हैं। तो इसी के बारे में, तो इसी की जो हम इसी को यहाँ पर ऑन ऑफ करने का सिस्टम दे रखा है, और वो उस पहले उसके बारे में बता देते हैं भाई। जो कंपनी का आदमी आएगा वो बोलेगा कि ये फ्री ऑफ चार्ज है, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, ये कंपनी पेटीएम की तरफ से फ्री होता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ भाई, ये फ्री नहीं है, इसका भी हमें रिचार्ज पैसा देना पड़ता है। और वो बोलेगा कि ये मशीन फ्री है, लेकिन उसको वो आदमी हमें घुमा फिरा कर ऐसे ही पैसे वसूलेगा भाई, वो मेंबरशिप के पैसे लगेंगे, बाकी ये मशीन के चार्ज नहीं लगेगा, ओनली मेंबरशिप के पैसे लगेंगे। जो भी ये रजिस्टर होगा आपका नाम, उस पर आपका पैसा लगेगा, बाकी इस मशीन का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। लेकिन वो वैसे बहाना बनाकर वो इस ऐसे ही मशीन को आपको दे देगा। कोई आदमी 400 रुपये में लेता है और कोई 800 रुपये में दे देता है, ये ठगी है गई। तो इसी का जो मैंने जो लगवाया था, वो पहले तो मुझे बोला था घुमा फिरा कर ये फ्री है फ्री है, उसके बाद में जो हमारा नाम रजिस्ट्रेशन वगैरह सब रजिस्ट्रेशन कर दिया है, उसके बाद बोल रहे हैं कि भी उसका चार्ज लगेगा होने के बाद में, वो बोला है तो 300 रुपये लगेगा भाई। और ये मशीन की बोल रहे हैं, मैंने उनको बोला कि ये तो फ्री है। तो गई ये वाला जो एक फ़ायदा इसके अंदर यह है कि भाई आपका पेमेंट आपके सामने पता चल जाएगा, मोबाइल को बार बार देखने की जरूरत नहीं। तो गई हम इसी को कैसे यूज़ में लेते हैं, ये 2 घंटे इसको चार्ज करना पड़ता है, बाकी दिन भर चल जाएगा, बैटरी दिन भर तक चलती है, उसके बाद में रात को पूरी नहीं चलती, डिस्चार्ज रोज चार्ज करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो देख सकते हो, यहाँ स्विच बटन लगे हुए हैं, यहाँ पर स्विच 4 बटन है, इस बटन से तो हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, स्विच ऑफ वगैरह, और इससे वॉल्यूम प्लस और माइनस कर सकते हैं, ये के भी हम पैसे बोलते हैं कितनी तेज़ी से आवाज़ आनी चाहिए उसके लिए। और ये वाले इसको हम दबाकर रिसीव किए हुए पेमेंट वापस दोबारा हम इसको सुन सकते हैं कि कितना पेमेंट आया, और यहाँ पर डिस्प्ले में शो करेगा ये। तो इसी का ये वाला है, और इसी के अंदर जस्ट गई ये, इसके बाद में वो लोग नहीं बताएंगे कि इसका मंथली चार्ज लगेगा, वो झूठ मूठ बोल कर लगवा लेगा, और उसके बाद में वापस नज़र भी नहीं आएगा, अब फरार हो जाएगा, मिलने कभी किसी काम से वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो झूठ बोलकर लगवा लेता है। उसके बाद में ये महीने का, हर महीने इसमें रिचार्ज होते हैं गाइस, हर महीने रिचार्ज होएगा, वो नहीं बोलेगा कि इसके अंदर रिचार्ज होता है, हर महीने कराना पड़ेगा, वो नहीं बोलता है, वो लगा कर चल जाता है। कंपनी के थ्रू हमें मैसेज आते हैं, 1 दिन बाद 2 दिन बाद तब हमें पता चलता है, कंपनी का फ़ोन आता है, किसी के मैसेज किसी के कॉल आता है। और भी इसकी जानकारी के लिए यहाँ पर नंबर दे रखे हैं हेल्प के लिए यहाँ पर। तो वो मेरे को ये चूना लगाकर चला गया, और अब उसके बाद में मुझे पता चला है वो आया था, और मंथली रिचार्ज कटेगा, वो भी ऑटोमेटिक, हमें करने की ज़रूरत नहीं, हमारे अकाउंट से 150 रुपये महीने का ऑटोमेटिक कट जाएगा गाइस। आप इसको यूज में ले या मत लो, हो ये सोचो भी रहेगा महीने भर, तो फिर भी इसका मंथली 125 रुपये 150 रुपये ऐसे कट जाता है ऑटोमेटिक। तो गाइज इस बात का आप ध्यान रखें, अगर एक मंथ का 150 रुपये इसका रिचार्ज के लिए आप सहमत हैं तो ही आप इसको लगवाएं, घुमा फिरा कर बात करेगा उनसे, इसको आप सावधान रहेगा इस। तो गाइज हम इसी को हम ऑफ
ये वाला बटन है, इसी को ओपन करके देखते हैं। ये वाला ओपन हो जाएगा इस तरीके से, ये डिस्प्ले में शो करेगा, पेटीएम करो, इस तरीके से आवाज़ आएगी और ये ब्लिंकिंग करेगी हल्की सी लाइट, उसके बाद में ब्लू कलर में आ जाएगी और ये कनेक्ट, ये अभी कनेक्ट हो गया, ब्लू लाइट आ चुकी है इसी के अंदर। और यहाँ पर अभी कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा, वरना इसके अंदर शो हो चुका है। और ये हमारा, इसको प्लस माइनस और माइनस कर सकते हैं इसको, और ये जीरो लिखा हुआ है इसी को दबा कर देखेंगे तो जो हमने पिछले जो ट्रांजेक्शन किया है वो कोई ट्रांजेक्शन नहीं मिला है, नहीं मिला है अभी मेरे में, इसके अंदर कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है इसके बारे में बताया है। और अगर होता है तो हम इसको दबाकर देख कर सुन सकते हैं गाइस, इस बात का ध्यान। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, इसके अंदर जो सिम लगती है, यहाँ पर नीचे पीछे की साइड में देख सकते हो, ये पीछे की साइड में, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये आप सोचेंगे कि बैटरी या सेल वगैरह लगते हैं इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर सेल नहीं, यहाँ पर जो सिम लगती हैं एयरटेल की सिम लगी हुई है इसी के अंदर, और उससे मोबाइल नंबर से कनेक्ट होती हैं। और अपना मोबाइल हमारा जो नेट चालू हो या बंद हो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब भी आप कहीं भी किसी भी वक्त आपको रिचार्ज करेगा तो इससे। हमने इसी को खोल लिए हैं और ये देख सकते हो गाइस, यहाँ पर कोई बैटरी वगैरह नहीं लगी हुई होती, बैटरी तो अंदर लगी हुई होती है, यहाँ पर सिम लगती हैं एयरटेल की, जिसका हर महीने रिचार्ज होता है, आप इसको यूज में लो या ना लो ऑटोमेटिक ही रिचार्ज कट जाएगा, आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे इसी का, 150 रुपये, 125 रुपये ऐसे कटते हैं। मेरे भी बार अभी गए मंथ में पिछली बार 150 रुपये कट चुके हैं ऑटोमेटिक ही, मेरे को मैसेज आया अब तब पता चला मेरे को कि ये पैसे किस चीज़ के कटे, तो मैंने देखा है साउंड बॉक्स के रिचार्ज कटे हैं, मंथली रिचार्ज कटेगा, उसके बाद में चलो भाई ठीक है लेना तो ले लिया, चूना लगा गया। लेकिन आप भी अगर पेटीएम बॉक्स अगर वो लगवा रहे हो तो इस चीज़ का आप गौर से ध्यान करें, चाहे ये वाला ये हो, फ़ोनपे का मशीन हो या ये साउंड बॉक्स ये वाला हो, तो सब बात आप ध्यान रखें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई, और पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।